इन्होंने थर्ड को बाहर आने से पहले ही रोक लिया। कोई बात नहीं, मैं इन्हें देख लूंगा। शायद वो चाहते थे कि वो शरीर का इस्तेमाल करें जैसे ओरोचिमारू ने किया था, लेकिन वैसा जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसी ताकत होगी। ए, मेरी नाक पिचका दी। उनके जैसा कोई नहीं था, लेकिन इससे भी बढ़कर वो बहुत अच्छे लोग थे। नाओमो, सेटो, टो और किटाने, ये सारे टूम्स पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में है, और फायर टेम्पल इनके ठीक बीचों बीच है। वो सब मेंबर्स थे गार्डियन शिनोबी 12 के। गार्डियन शिनोबी? हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। मैं उन्हें जानता हूँ। द गार्डियन शिनोबी, वो 12 लोगों का ऐसा खास ग्रुप है जो लैंड ऑफ फायर में फ्यूडल लॉर्ड की रक्षा करता है। लेकिन लैंड ऑफ फायर की रक्षा करने के लिए ही तो लीफ विलेज के शिनोबी हैं। सही कहा, हम भी लैंड ऑफ फायर की रक्षा करते हैं, यही हमारा मकसद है। लेकिन लीफ विलेज बाकी सारे राज्यों की भी रक्षा करता है, सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं। देश को बचाने के लिए सबसे पहले उसे बचाना होगा जो इस देश का हेड है, और ऐसा ही करने की कोशिश उन्हें मिटा दिया गया। हालांकि उस दिन किटाने, टो, सेटो और नाओमा सब ने अपनी जान गंवा दी। आखिर ऐसा सब कुछ हुआ ही कैसे? वो लोग जो टूम में हैं, वो असुमा सेंसेई और चिरुकू के दोस्त हैं। जरा सोचो, अगर यहाँ तुम्हारा दोस्त सास्के होता तो, मतलब कि तुम लोगों ने उसे खो भी दिया और उसकी बॉडी भी चोरी हो गई। ऐसा भी हो सकता है। हम उन चोरों को नहीं छोड़ेंगे जिसने भी किटाने की बॉडी चुराई है। हाँ, हम वादा करते हैं। यंग मंक्स की ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। लगता है ये वही बेवकूफ है। ये क्या है? ये थोड़ा सा अजीब है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई नारुतो? ये बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम याद रहेगा, या यूं कहूं कि जिंदगी के बाद भी याद रहेगा। जिंदगी के बाद? तो अब तुम सीरियस हो रहे हो? हाँ, नी ताकत तो तब दिखाई थी जब पहली बार तुम मुझसे लड़े थे। अब तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो, ये कोई रियल फाइट नहीं है। फिर से नहीं। इसे हो क्या गया है? ये बिना समझे सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इन सब की नजरें सोरा पर है। उनकी आंखें मुझे भी ऐसे ही देखा करती थी। सोरा, बस बहुत हुआ, मैं अब रुक नहीं सकता। जो नाम देना था वो तो मैं दे नहीं पाया। क्या मजाक है, तुम क्या हमेशा से ऐसे ही थे? हाँ, शायद एक बार जो मुझसे मिल लेता है वो मुझे कभी नहीं भूल पाता, समझे? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे लोग मुझे परेशानी ही समझते हैं, पर वो मेरे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो हूँ मैं खुद। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी सारी ताकत कुछ भी नहीं है, बस एक बेकार की चीज है। सोरा। खैर, बेकार हो या ना हो, मुझे इस ताकत की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने पिता के कातिल से उनका बदला लेना है। बदला? हाँ। उन टूम्स की पहरेदार है। नारुतो, तुम कहाँ चले गए थे? सॉरी। उन्हें शिनोबी मंक से खबर मिली है जो लॉर्ड नोमा की टूम पर पहरा देता है। उनकी बॉडी गायब है और वो टूम भी बाकियों की तरह खंडर बन चुकी है। आप मजाक कर रहे हैं? अगर ऐसा ही रहा तो बाकी सब भी। मेरी टीम अभी तैयार है, हमें चलना चाहिए। मैं भी चल रहा हूँ। आज हम उन ग्रेव रॉबर्स को सबक सिखाएंगे, वो भी ऐसा कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे।